दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो बॉडी बिल्डर को देखकर इम्प्रेस ना हो। दुनिया में एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर पैदा हुए जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर शानदार बॉडी बनाई है। दोस्तों एक बॉडी बिल्डर को वर्ल्ड क्लास लेवल की बॉडी बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच कई बार ऐसा भी होता है जब बॉडी बिल्डर परफॉर्मेंस करते समय स्टेज पर ही गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर जाते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर अचानक से स्टेज पर गिर गया। दोस्तों बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर जिम में घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए ये मेहनत उतनी मुश्किल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक बॉडी बिल्डर का स्टेज पर महज कुछ मिनटों का परफॉर्मेंस करने में पसीना निकल जाता है। दोस्तों आखिर स्टेज पर ऐसा क्या होता है जिसके कारण घंटों मेहनत करने वाला बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही कुछ मिनटों में चित्त हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे, बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए। डिहाइड्रेशन। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के कारण कई बार बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि स्टेरॉइड इंसान की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन सभी बॉडी बिल्डर इसका इस्तेमाल नहीं करते। अधिकांश बॉडी बिल्डर अपनी मेहनत के दम पर अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन अधिकांश बॉडी बिल्डर के स्टेज पर गिरने का सबसे प्रमुख कारण डिहाइड्रेशन होता है। दोस्तों आपने भी कई बार नोटिस किया होगा जब आपका पेट पूरी तरह से खाली होता है तो आपके पेट की एक एक मसल्स पूरी तरह से दिखती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो पेट फूल जाता है। ऐसे में बॉडी बिल्डर के लिए अपने सिक्स पैक्स दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बॉडी बिल्डर स्टेज परफॉर्मेंस से पहले ज्यादा पानी नहीं पीते और उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। खासतौर पर जब बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तो इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बॉडी बिल्डर खुद को स्टेज पर ज्यादा ड्राई दिखाने के लिए ड्राई यूरेटिक पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और इन पिल्स के कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है। ज्यादा ड्राई होने के चक्कर में कई बार बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और सोडियम का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है, और फिर क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। एंड्रियाज मुंजेर नाम के ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर को तो आप जरूर जानते होंगे। ये बॉडी बिल्डर ज्यादा ड्राई दिखने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डाययूरेटिक का इस्तेमाल करता था और कई बार तो इनका स्टेज परफॉर्मेंस जिंदगी और मौत के बीच आकर खड़ा हो जाता था, और अंत में हुआ भी ऐसा ही। ज्यादा डाययूरेटिक लेने से इनकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो गई और अचानक उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत भी स्टेज परफॉर्मेंस के समय ही हुई थी। दोस्तों बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है और हमारा हृदय जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लगता है। इससे हार्ट पर भयंकर प्रेशर आता है और इसका असर सीधे दिमाग पर भी होता है और तेज सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। और इसीलिए कई बार स्टेज पर परफॉर्मेंस करते समय बॉडी बिल्डर्स का दिमाग चकरा जाता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। लो ब्लड शुगर। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो दूसरा रीजन जिसके कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए हमारे ब्लड शुगर का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई बार देखा गया है कि बॉडी बिल्डर्स या बड़े बड़े एथलीट जब अपने परफॉर्मेंस के बिल्कुल लास्ट पीक पर होते हैं तभी उनका ब्लड शुगर अचानक से गिर जाता है और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा इंसुलिन हाइक करेगा तो धीरे धीरे ब्लड शुगर गिरता जाएगा और एक ऐसी स्टेट आएगी जब ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और एथलीट ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाएगा। और कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में ऐसा देखा गया जिसके कारण बॉडी बिल्डर या एथलीट को कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया गया। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना कितना मुश्किल और दर्द भरा काम है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर स्टेज पर चंद सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए कई सालों तक की मेहनत करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शुगर में बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरी होती है और इसलिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन से पहले हाई शुगर लेते हैं ताकि उन्हें ऊर्जा मिल सके। ऐसा करने से शुरुआत में उन्हें काफी ऊर्जा महसूस होती है और उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हॉर्मोन पाया जाता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और जब बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन उसे दबाने की कोशिश करता है, मतलब बॉडी के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर होता है। और इसी दौरान बॉडी बिल्डर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तरह तरह के पोज बनाते हैं और पूरी दम लगाकर अपने मसल्स को दिखाते हैं जिसके कारण बॉडी पर और ज्यादा प्रेशर बन जाता है और कई बार बॉडी इतना प्रेशर झेल नहीं पाती और बॉडी बिल्डर नीचे गिर जाते हैं।
हालांकि ये सब एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप त्योहारों पर या शादी समारोह में कुछ ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो आपका सिर दर्द होने लगता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है ज्यादा मीठा खाने के बाद हमें बॉडी को आराम देना चाहिए। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें हर प्रकार के खाने में कोई ना कोई शुगर जरूर पाई जाती है, इसलिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा मीठा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा मीठा खाने से अवॉइड ही करना चाहिए। पोजिंग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो तीसरा रीजन जिसके कारण बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को भी पसीना आ जाता है। दोस्तों आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में देखा होगा कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर तरह तरह की पोज बनाकर खड़े हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर आपका भी यही ख्याल है तो 2 मिनट के लिए बॉडी को टाइट करके खड़े हो जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरह की पोज बनाना कितना मुश्किल है। भाई साहब 2 मिनट तो क्या आप 20 सेकंड में पसीना छोड़ देंगे। दरअसल बॉडी बिल्डर अपने कट दिखाने के लिए पूरी सांस भरकर बॉडी को टाइट करके खड़े हो जाते हैं और ऐसा करने में बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा खर्च होती है और इस तरह अगर किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी में पहले से ब्लड शुगर का लेवल गिर रहा हो या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो तो वो बॉडी बिल्डर ज्यादा समय तक स्टेज पर नहीं टिक पाएगा और कुछ ही देर में गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे अगर किसी के फैमिली बैकग्राउंड में पहले से ही मेंटली या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो फिर ऐसे बॉडी बिल्डर को और ज्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है जिसके पिता को हार्ट, लिवर या किडनी की समस्या होती है उसके बेटे को भी ठीक इसी तरह की समस्या हो जाती है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। डालास मैक्रेवर नाम के फेमस बॉडी बिल्डर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। डालास ने मात्र 21 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने के लिए अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर तरसते हैं, लेकिन बाद में इस बॉडी बिल्डर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये स्टेज पर ही मर गया। दरअसल डालास मैक्रेवर की स्टेज पर परफॉर्मेंस करते समय ही मौत हो गई। बाद में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इनका हृदय सामान्य लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा भारी था और इसीलिए इनके साथ ये हादसा हुआ। दोस्तों अगर किसी बॉडी बिल्डर के अंदर ठीक इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ही उसका ब्लड शुगर लेवल कम होगा या फिर उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो तुरंत उसके ऊपर इसका असर शुरू हो जाएगा और बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले वो जल्दी बेहोश हो जाएगा और अगर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो गई तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं और अगर आपको पहले से ही कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हमारी सलाह मानिए और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जाने का इरादा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक शायरी तो जरूर सुनी होगी, और भी है राहें तेरे सिवा, क्यों पाले उस रोग को जिसकी नहीं है कोई दवा। दोस्तों जाने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, बहुत से भाई साहब लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में तरह तरह के उल्टे सीधे प्रोटीन पाउडर और स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं जिससे उनकी बॉडी तो बन जाती है लेकिन फ्यूचर में उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत है। सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हट्टा कट्टा और फिट एक्टर हार्ट अटैक के कारण समय से पहले दुनिया छोड़कर चल गया। इसीलिए आपको अपनी मेहनत के दम पर बॉडी बनानी चाहिए, ना कि स्टेरॉइड के जरिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई हमारी इस वीडियो से कुछ हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।